बैंक ऑफ बड़ौदा में आपका स्वागत है। बैंक ऑफ बड़ौदा भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक। कहते हैं कि सफलता की शुरुआत सपने से होती है। अगर आप में हौसला, लगन और आगे बढ़ने की चाहत है तो कोई भी बाधा बीच में नहीं आती। कुछ ऐसे ही सफलताओं की नई इबारत लिख रहा है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच और सबका साथ सबका विकास की भावना का परिणाम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और स्टैंड अप इंडिया, जिसने हौसलों को भरोसा, मेहनतकश हाथों को रोजगार और उद्यमशीलता को उद्यमी बनाने का कार्य किया है। रोजगार सृजन की दिशा में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की भूमिका अग्रणी रही है। स्वयं का रोजगार स्थापित करने की इच्छा रखने वाले करोड़ों लोगों के लिए वरदान साबित हुआ है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसमें आपको उद्यम लगाने के लिए 10 लाख रुपए तक का ऋण न्यूनतम ब्याज दरों पर बगैर किसी प्रतिभूति के आसानी से उपलब्ध है, जिसकी किस्तें भी आसान, सरल और छोटी हैं। देश के कोने कोने तक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने लोगों को जिंदगी की राह, परिवारों को मजबूत आधार और होठों को सफलता की मुस्कान दी है, जिसने आम को खास पहचान दिया है। ऐसे ही कुछ उद्यमियों ने बैंक ऑफ बड़ौदा के माध्यम से अपनी प्रगति को नई दिशा दी है। बैंक ऑफ बड़ौदा की भारत स्थित शाखाओं के माध्यम से लाखों लोगों ने इस योजना का लाभ लिया और सफल उद्यमी बने। कुछ ऐसे ही उद्यमियों से आज हम आपको मिलाते हैं। ये हैं श्री जुलाल अब्दीन, जो लोहता वाराणसी के रहने वाले हैं। ये वर्षों से लोहता स्थित सूत मिल में 100 से 150 रुपये प्रतिदिन पर मजदूरी करते थे। इस कमाई से 6 बच्चों वाले परिवार का भरण पोषण संभव नहीं था। परिवार की बढ़ती जरूरतों और मिल की मजदूरी ने इन्हें नौकरी छोड़ने को मजबूर कर दिया। इन्होंने अपना काम शुरू करने की सोची और बैंक ऑफ बड़ौदा की लोहता वाराणसी शाखा से संपर्क किया। बैंक ने उन्हें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की जानकारी दी और उन्हें उनके रोजगार में साझेदार बनने का भरोसा दिया। जुलाल अब्दीन ने अपने छोटे से घर में ही अपना खुद का काम शुरू किया, जिसमें वह मजदूर से मालिक बन गए थे। इसी छोटे से बुनकर व्यवसाय से श्री जुलाल अब्दीन ने ऋण राशि चुकाने के बाद भी अब उनके घर का हर सदस्य 250 से 300 रुपये प्रतिदिन कमाता है, जिससे घर की हर छोटी बड़ी जरूरत पूरी होती है और सभी खुशी और संतुष्टि के साथ रहते हैं। जुलाल अब्दीन के इस सफल यात्रा और मजदूर से मालिक बनने का सपना सच हुआ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और बैंक ऑफ बड़ौदा के सहयोग से। पहले जो है तो 150 रुपया कमाते थे, आप जो है तो मजदूरी करते थे, आप जो है तो करीब 300 रुपया लगभग कमा लेते हैं, बढ़ गया हमारा इनकम। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद, जिन्होंने मुद्रा योजना लाकर मुझे मजदूर से मालिक बना दिया। आइए मिलते हैं श्री शैलेंद्र कुमार जी से, जो वाराणसी अर्दली बाजार क्षेत्र के सफल व्यवसायी हैं। श्री कुमार डिटर्जेंट पाउडर का निर्माण करते हैं और गीतांजलि डिटर्जेंट पाउडर के नाम से उनका उत्पाद वाराणसी और इसके आसपास के क्षेत्रों के मध्यम वर्गीय घरों की रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा है। श्री कुमार पिछले 3 वर्षों से पैसों के अभाव में प्रतिदिन महज 15 से 20 किलोग्राम उत्पादकता के साथ काम कर रहे थे। व्यवसाय में पूंजी बढ़ाने के दौरान उन्हें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में पता चला और उन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा अर्दली बाजार शाखा से संपर्क किया, जहां से उन्हें इस योजना की विस्तृत जानकारी मिली और व्यवसाय विस्तार के लिए ऋण का प्रस्ताव भी। श्री कुमार ने आसान शर्तों पर उपलब्ध ऋण के लिए आवेदन किया और 5 लाख रुपये का ऋण भी लिया, जिसे चुकाने के लिए उन्हें पर्याप्त समय मिला। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत न्यूनतम ब्याज दर पर मिले ऋण से श्री कुमार ने व्यवसाय बढ़ाया और आज वे प्रतिदिन 1 टन डिटर्जेंट पाउडर का उत्पादन करते हैं और 5 अन्य लोगों को भी रोजगार मुहैया कराते हैं। इस रोजगार से श्री कुमार प्रतिदिन 1500 से 2000 रुपये कमाते हैं। श्री कुमार निकट भविष्य में इसे और बढ़ाने की योजना भी रखते हैं। आज श्री कुमार की जिंदगी का ये बदलाव संभव हो सका है तो भारत सरकार की प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
और बैंक ऑफ बड़ौदा के संयुक्त प्रयास से, जिन्होंने लघु उद्यमों को प्रोत्साहित करने का काम किया है और आर्थिक मदद भी प्रदान की है। ये यात्रा है आत्मनिर्भरता की, सफल उद्यम और कुछ कर गुजरने की चाहत की। श्री शैलेंद्र कुमार पहले निर्भर थे, अब आत्मनिर्भर हैं और ये सब कुछ संभव किया है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने। पहले मैं बिजनेस करता था तो मुझे थोड़ी दिक्कत होती थी पैसे की कमी के कारण। मुझे किसी से पता चला बैंक ऑफ बड़ौदा से कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना के थ्रू मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लोन मिलता है। मैं अर्जुन ब्रांच में गया, संपर्क किया, सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कराने के बाद बैंक ने हमको 5 लाख रुपये लोन सेंक्शन कराया, जिससे मुझे काफ़ी आराम हो गया है, मेरा बिजनेस बढ़ गया है और हमारी सेल बढ़ गई है। पहले होता था कि हमारी फैक्ट्री 1 हफ्ते में 3-4 दिन चलती थी, अब हमारी डेली चलती है। पहले मैं 100 से 200 किलो माल बेचता था, आज की डेट में मैं लगभग 1 टन माल बेचता हूँ। मैं बनारस में थोड़ा बहुत सेल करता हूँ, बाकी सब रूरल एरिया में ज़्यादा है। मुद्रा योजना ने मुझे व्यवसायी बनने का मौका दिया, इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी और बैंक ऑफ बड़ौदा को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सफलता की इस कड़ी में अगला नाम है श्री अजय कुमार श्रीवास्तव का। अजय जी पहले एम्प्लॉय थे, अभी सेल्फ एम्प्लॉयड है। अजय जी तुलसीपुर महमूरगंज वाराणसी के निवासी हैं। अपना उद्यम लगाने से पहले अजय गाड़ी के शोरूम में सेल्समैन थे, जहां से वे प्रति माह 20,000 रुपये कमाते थे। अजय एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखते हैं, जिनकी आंखों में अपने व्यवसाय का सपना था। एक दिन अजय ने अपनी नौकरी छोड़ दी और अपने सपनों को पूरा करने के लिए चल पड़े। अजय डिस्पोजेबल पेपर ग्लास का उद्यम लगाना चाहते थे, लेकिन बगैर आर्थिक मदद के ये संभव नहीं था। अजय ने बैंक ऑफ बड़ौदा गोदौलिया शाखा का सहयोग लिया और उन्हें अपना प्लान बताया। बैंक ऑफ बड़ौदा ने उन्हें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की जानकारी दी और बाद में उनके सपनों के लिए ऋण भी। अपनी इच्छा शक्ति, मेहनत और लगन से श्री अजय आज 50,000 रुपये प्रति माह कमाते हैं। कल तक नौकरी करने वाले अजय ने आज 3 अन्य लोगों को भी नौकरी दी है। ये कहानी है एम्प्लॉय से एम्प्लॉयर बनने की, जिसे संभव किया है बैंक ऑफ बड़ौदा और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने। मेरा ये सेटअप आप देख रहे हैं, ये बिजनेस मैंने अभी स्टार्ट किया है। ये एक ऐसा चीज़ है जो पेपर कप है, इसकी डिमांड बहुत है आज के डेट में, हर जगह इसकी डिमांड है। और जैसे कि प्लास्टिक के पेपर, प्लास्टिक का जो भी जत्ता है, बर्तन वगैरह सारी चीज़ें, उस पर गवर्नमेंट बैन लगा रही है, वो हानिकारक है। तो इसको सोचते हुए हमने ये सोचा कि ये सबसे अच्छी चीज़ है जो पेपर है, ये बायोडिग्रेडेबल है और रिसाइकल भी है, तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है। जो कि फ़ंड की मुझे ज़रूरत थी, तो इस फंड को लेने के लिए हमने जो है अपने बैंक्स को तलाशना शुरू किया। तो मुझे अपने पास में और उसमें गदौलिया ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा, वहाँ के ठाकुर सर बैंक मैनेजर हैं, उनसे हमने संपर्क किया, उनको अपने प्रोजेक्ट के बारे में पूरी सारी चीज़ें विस्तृत से जानकारी दी। और फिर इसके लिए मुझे उन्होंने 6 लाख रुपये मशीन के लिए मुझे चाहिए था, जो उन्होंने तुरंत स्वीकृत कर दिया, और 3.5 लाख रुपये का उन्होंने सीसी लोन दिया। जो लोन दिया उन्होंने वो प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत दिया है, और इसके लिए मैं बैंक का बहुत बहुत ही ज़्यादा सर आभारी हूँ कि मेरा ये कारोबार शुरू हुआ है और मेरा ये बिजनेस स्टार्ट हो चुका है सर। और मेरी महीने की जो आमदनी अभी एक मशीन से जो आ रही है सर, वो 50-60 हज़ार रुपये महीने की आ रही है। इस मशीन से हमने अपने यहाँ 3 लोगों को रोज़गार भी दिया है सर, उनका भी परिवार का पालन पोषण यहाँ से हो रहा है। और आगे जो और मशीनें लेंगे सर और इम्प्लाइज बढ़ेंगे, तो हमारा ये है सर कि अपना परिवार पालने के साथ साथ और भी 10 लोगों का परिवार को सर रोज़गार दिया जाए। तो प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद और बैंक ऑफ बड़ौदा को तो सहायता से सर बहुत ही धन्यवाद सर। गृहिणी से उद्यमी बनने की कहानी की मुख्य पात्र है श्रीमती प्रजापति। घर का चूल्हा चौका संभालने से सफल उद्यमी बनने की दास्तान किसी चमत्कार से कम नहीं है। श्रीमती प्रजापति के पति क्लैंप बनाते थे और बिजली विभाग को सप्लाई करते थे। इस व्यवसाय से आमदनी तो होती थी, लेकिन इतनी नहीं कि सभी जरूरतें पूरी हो जाए। श्रीमती प्रजापति ने व्यवसाय वृद्धि के उद्देश्य से स्वयं भी इसी व्यवसाय में जुड़ने का प्रस्ताव रखा। व्यवसाय में पूंजी की आवश्यकता होती है, श्रीमती प्रजापति को आर्थिक मदद की आवश्यकता थी और वे इसके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा की राम कटोरा शाखा से संपर्क किया और अपने व्यवसाय के बारे में बताया।
बैंक ऑफ बड़ौदा राम कटोरा वाराणसी शाखा ने उन्हें उनकी व्यवसाय वृद्धि के लिए भारत सरकार की योजना स्टैंड अप इंडिया के तहत आर्थिक सुविधा मुहैया की। आज श्रीमती प्रजापति एक सफल उद्यमी हैं जिनकी फैक्ट्री में 18 मजदूर काम करते हैं। श्रीमती प्रजापति की कहानी है महिला सशक्तिकरण की, महिला विकास की और सफल उद्यम की। मैं प्रधानमंत्री जी और बैंक ऑफ बड़ौदा को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने महिलाओं को स्टैंड अप इंडिया के माध्यम से आगे बढ़ने का मौका दिया। भारत सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने में बैंक ऑफ बड़ौदा की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। बैंकिंग सुविधाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने के उद्देश्य से बैंक ऑफ बड़ौदा ने डिजिटल पोर्टेबल शाखाओं का निर्माण किया, जिसका उद्देश्य जनता को मुख्य धारा की बैंकिंग से जोड़ना है। आइए प्रधानमंत्री के वित्तीय समावेशन और सभी भारतीयों तक बैंकिंग सुविधाएं पहुँचाने के लिए हम संकल्प लें और एक भारत श्रेष्ठ भारत का निर्माण करें, जहां सबका साथ हो, सबका विकास हो। लघु उद्यम को बढ़ावा देने के लिए भारत के विभिन्न हिस्सों में 50 जगहों पर मुद्रा प्रोत्साहन कैंप लग रहा है। मुद्रा प्रोत्साहन अभियान का मूल उद्देश्य है सभी भारतीयों को विकास, प्रगति और आत्मनिर्भरता के लिए अवसर प्रदान करना। तो साथ जुड़िए एक बेहतर कल के लिए। मुद्रा प्रोत्साहन अभियान में आपको सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी मिलेगी और आप इन योजनाओं का लाभ लेकर एक सफल उद्यमी बन सकते हैं।